रिकॉर्डिंग के लिए अपना नाम और डेजिग्नेशन, किस तरीके का आज आपके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया गया? मैं आचार्य रहमान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट GBSWA उधमपुर। गुजर बकवाल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे स्टेट के अंदर इस वक्त काफ़ी जोरों शोरों से जो है वो चल रही है, और उधमपुर के अंदर भी पिछले 6-7 सालों से चल रही है, लेकिन रामनगर के अंदर हमने आज एक छोटी सी बॉडी जो है वो अनाउंस की है, क्योंकि रामनगर के अंदर जो जितने छोटी निजी लोग कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ काफ़ी जो है उनके फंडामेंटल राइट को वायलेशन किया जा रहा है। मैं काफ़ी दिनों से ये सुन रहा था कि यहाँ के लोगों के साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए मैंने एक ये सोच पैदा की, मैंने सोचा कि रामनगर के अंदर भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बॉडी अनाउंस की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो सामने ला के इनके फंडामेंटल राइट के लिए, इनके जो हक हैं और हकूक हैं इनके लिए हम जो है वो आगे आके लड़ सकें। और उसके बाद हमने जो है आज की बॉडी के अनाउंस की है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रामनगर के, उसको अनवर हुसैन को जो है प्रेसिडेंट जो है वो हमने चुना है। उसके बाद हमारा अगर देखा जाए तो जो निजी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो गुजर बकरवाल हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट लोग हों, जिनको हमेशा हर सेक्टर के अंदर जो है वो इनको डिनाइड किया जाता है, इनके हकों को दबाया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह की जो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो किसी, जैसे गुजर बकरवाल की बात करें हम तो चौधरी लाल सिंह जब से हमारे फॉरेस्ट के मिनिस्टर बने हैं तो इनको, इनके घरों को जो है इनको ज़बरदस्ती घसीट घसीट के जो है जंगलों से निकाला जाता है, क्योंकि हमारी स्टेट की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए इन्हीं लोगों का जो हाथ है। 15% जो इकॉनमी है स्टेट की, वो हमारी जो माल मवेशी है इसको फरोख्त करके जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाहर की कंट्री के अंदर, जिन लोगों को पालने का जो दम है वो इन लोगों के पास है। तो मैं ये स्टेट गवर्नमेंट को भी और जो यहाँ की हमारी जो रामनगर की जो गवर्नमेंट है, मैं इनको भी ये डायरेक्ट करना चाहता हूँ कि छोटे जितने भी निजी कम्युनिटी के लोग हैं, इनके हकों को जो है वो दबाया नहीं जाए। जैसे मैं अभी हमें 3-4 जगह से घसीट के जो है वो हमें ज़बरदस्ती निकाला जा रहा था कि भाई आप लोग यहाँ पे जो है वो अपनी मीटिंग्स नहीं कर सकते। ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं ये भी साफ कहना चाहता हूँ, ये एक स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे निजी लोगों के जो कम्युनिटी हैं उनके जो फंडामेंटल राइट हैं उनके से लड़ने का हक रखती है। इसलिए मैं अपनी मीडिया का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो ये हमारे पास आई और हमारी जो आवाज़ है उसको बुलंद किया। मैं तमाम लोगों का और शुक्रगुजार हूँ रामनगर के जितने भी यहाँ पे वासी हैं, मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी छोटी लोग जो हैं, जो छोटी कम्युनिटी के लोग हैं, कम से कम इनके साथ आके और इनके जो हौसला अफजाई की जाए, ताकि ये भी हमारे समाज के अंदर जीने का हक रखते हैं। अगर हम इक्वलिटी हो तो हम लोग जो हैं आपस ब्रदरहुड और भाईचारे के साथ जो है अपने एक समाज को और जो इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इस वक्त जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो दलित हैं वो रखते हैं, लेकिन और थोड़ी सी जो 10-15% जो लोग हैं वो जो है हाई कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं बात ये भी कह दूं कि अगर ये हमारा इंडिया इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहा, इसलिए ये डेवलप कंट्रियों के अंदर शामिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोग जितने भी जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो इस वक्त क्रीमी लेयर हैं, वो इस वक्त हम लोगों पर राज कर रहे हैं और वो अपने घरों को बना रहे हैं, और वो लोग जो हैं फॉरेन के अंदर सेटअप हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की जो सही जो जनता है जिनकी तरफ जो वो जो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है वो हर तरफ से जो है वो इस वक्त हम देखा जाए तो एजुकेशन के लिहाज से या डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी पीछे है। तो मैं ये बात भी मीडिया के थ्रू अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर छोटी लोगों को यहाँ के निजी कहते हैं कि हमेशा जो भी बुनियाद है अगर वो हमारी पक्की हो तो हम जो है वो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, और हमारा जो जो कंट्री है, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड के टॉप नंबर पे आए, और जब तक तभी आ सकती है कि यहाँ की जो छोटे लोग हैं उनकी एजुकेशन के अंदर सुधार आए, उनके कल्चर के अंदर सुधार आए, उनको हमेशा जो उनके राइट्स को जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी जितने भी लोग यहाँ पे आए आज के, और मैं मीडिया का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।